अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं। और आज हम बनाएंगे कच्ची कैरी के गुड़म्बा बनाएंगे। हमने कैरी को अच्छे से वाश कर लिए हैं और वाश करके उसको छील के और पतले साइज से हमने कट किए हैं ताकि हमारे कैरी जो हैं अच्छे से गल जाएंगे। बनाना एकदम आसान है। अब स्टार्ट करते हैं बनाना। मेरे वीडियो में बने रहिए। गैस पर हमने पैन रख दिए हैं। पैन हमारे गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारे गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 5 फोड़न। 5 फोड़न को थोड़ा सा चटकने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैरी। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर 2 चम्मच। हल्दी पाउडर 1 चम्मच। जीरा पाउडर 1 चम्मच। अब हम ऐड करेंगे नमक और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। क्योंकि हमको इसको गलाना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम जो है थोड़ा सा मीडियम रखेंगे। इसको बनाना एकदम आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बनते हैं गुड़म्बा। अब हम इसको कवर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको बीच बीच में चेक करते रहना है। अभी इसमें पानी है और कैरी जो है गले भी नहीं है। कवर कर देंगे। अब हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए कैरी हमारे गल चुके हैं। अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा इसको मैश कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। हमने खजूर वाले गुड़ लिए हैं। आप कोई भी ब्रांड के गुड़ डाल सकते हैं इसमें। और मीठा आप अपना टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि जो हमारे कैरी हैं वो थोड़ा से मीठे हैं, ज़्यादा खट्टे नहीं थे, तो हम इसलिए थोड़ा सा गुड़ डाल रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे। इसको अच्छे से पकने देंगे। चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, गुड़ हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और कैरी और गुड़ को अच्छे से पकाएंगे ड्राई होने तक का। इसको बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो लग जाएंगे, इसके टेस्ट खराब हो जाएंगे। हम फ्लेम लो कर देंगे और कवर कर देंगे। चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, गुड़ और करी बहुत अच्छे से पक चुके हैं और हमारे गुड़म्बा एकदम तैयार हो चुके हैं और गाढ़े भी हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे ताकि आप इसको 15 दिन महीना भर स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काजू। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से टेस्टी हमारे गुड़म्बा बन के तैयार हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे गुड़म्बा जो हैं
परफेक्ट बन चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। फाइनली हमारे गुड़म्बा बनके तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बने हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।